एलिगेंट बल्लेबाजी पर एक से बढ़कर एक विकेट को यहां पर गिराते हुए दिखा रहे हैं। और हालांकि मैं कहूंगा कि यह सन्नाटा से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब बचे हुए 18 गेंदों पर अभी भी 4 विकेट बचे हैं टीम एलिगेंट के पास। 18 गेंदों पर अगर 20-22 जैसे रन भी बनाते हैं, अगर 40 के आंकड़ा पार करने पर आपकी बल्लेबाजी वहां तक पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से ये सलूट वाली बात बनेंगे, क्योंकि अंडर द फ्लडलाइट, फ्लडलाइट की रोशनी के नीचे 40 जैसे रन भी यहां पर पत्थर की छह बनते हैं। इतनी आसान बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आपकी बल्लेबाजी की वैफलता विपक्षीय गेंदबाजों की उस अच्छे खासे गेंदबाजी के साथ हुए हैं, तो आपकी गेंदबाजी भी अगर इसी तरह से नपीतुले निकल आते हैं तो वाकई 40 जैसे रन इतने विश्वास दिलाएंगे आपको। अब देखना यह है कि बचे हुए 18 गेंदों पर टीम एलिगेंट इस आरंभिक आघात से किस तरह से बाहर निकल पाएंगे, और यह समझदारी ये जोड़ी के साथ होना चाहिए। अब रंजीत और अभिलाष की जोड़ी, अभिलाष गुंडो, इस मैदान पर खेले हुए अनुभव को एक बार याद करके देख लीजिए अभिलाष जी की आपके हुनर क्या है, इस मैदान आपको दिए हुए नाम क्या है, किन किन क्षमता के लिए आपको लोग पसंद करने लगे थे अंडर आर्म क्रिकेट पर। और इस बार ऑन साइड पड़ते गेंद खेलने की कोशिश अवश्य की लेकिन बल्ले से बिल्कुल नहीं टकरा पाए। अभिलाष के गेंद 22 की इशारा अंपायर से, रोलैंड पिंटो सर लगभग 39 साल के तजुर्बा और इस मैदान पर अंडर आर्म क्रिकेट को इस तरह से मजबूत किए हैं रोलैंड पिंटो सर ने। आज अगर आप देश विदेशों में अंडर आर्म क्रिकेट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श के साथ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिमानियों को आज अगर इस अंडर आर्म क्रिकेट के साथ जुड़कर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये रोलैंड पिंटो सर के कुछ नियमों के सुधारण भी हैं। 16 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 16 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट 4.1 ओवर की समाप्ति के बाद तो पिछली गेंद पर 22 के इशारा अंपायर ने दिए हैं, तो ऐसे में बल्लेबाज की मानना है कि वो गेंद वाइड की रेखा को पार किए हैं। तो रिव्यू यहां पर इस्तेमाल करते हुए रंजित और अभिलाष की जोड़ी दोनों अनुभवियां, एक तरफ रंजित, इनके नाम तो आप जानते हैं वर्तमान क्रिकेट पर रंजित की क्षमता क्या है, वो अगर अपनी टीम को जिताने की जिद पर बल्लेबाजी करने लगे तो उनकी बल्ले से किन किन योजना के साथ बल्लेबाजी देखने को मिलते हैं। गेंदबाजी भी हर एक कोने पर भी सक्षमता दिखाए हैं रंजित ने, और दूसरी तरफ है अभिलाष, और अभिलाष के बारे में कौन नहीं जानते हैं अंडर आर्म क्रिकेट पर, गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल कहलाते हैं, गेंद के साथ छेड़छाड़ करने में इतने माहिर है अभिलाष राज, तो ये मान लीजिए कि ये इम्तिहान है क्योंकि ऐसे मैदानों पर। और तीसरी अंपायर के निर्धार है लीगल डिलीवरी, अंपायर के निर्धार के साथ सहमत दिखाते हुए तो एक रन जुड़ने के बाद अब रनों की संख्या बने हैं 16 रन 16 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 4 विकेटों के सहारे अब बचे हुए गेंदों पर अपने कदर दिखाना होगा टीम एलिगेंट यहां पर। कादर शरीन जी के नेतृत्व पर मलिक जैसे महारथियां टीम एलिगेंट के साथ हमेशा अपने भूमिका निभाते हुए, और आज तो मिले हुए मौके की फायदा उठाते हुए जिस तरह से टीम एलिगेंट फीनिक्स पक्षी की तरह निकल कर आए हैं, 5वीं स्थान पर मिले हुए उस अवसर को जिस तरह से इस्तेमाल किए हैं टीम एलिगेंट के बल्लेबाजों ने, तो वाकई उम्मीद तो जग चुके हैं यहां पर। लेकिन इस मैच के ये नजारा कहीं ना कहीं वो उम्मीद को कम करेंगे अगर आप सुधारण नहीं दिखाते हैं। स्वीप करने के साथ एक सिंगल रन, एक रन तो अवश्य प्राप्त हुए, क्योंकि रनों की संख्या पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। इसी मैदान गवाह है UFCA के वो फाइनल मैच, अंडर आर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार उस तरह के एक अनोखे अद्भुत नजारे हमने देखे हैं, और ये इतिहास के लिए एक ऐसे चरित्र पर सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली बात भी बनेंगे हर एक नजरअंदाज करने वाले खिलाड़ियों के लिए और टीमों के लिए कि 9 रन पर 30 ओवर की मैच पर इंग्लैंड सुबह ऑल आउट हुए थे इस मैदान में फाइनल मैच पर। फिर एक बार रन आउट के अपील, विकेटों को रुकाने की वो कला अभी भी नहीं दिख रहे हैं टीम एलिगेंट के बल्लेबाजी में। 17 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद बनने के बाद अब ये रनआउट के नजारा अब देखना होगा। अक्सर हमारी जो बात है 17 पे खतरा, इस बार भी सच साबित होते हुए उर्वा के मैदान में कि 17 नंबर खास करते हुए अंडर आर्म क्रिकेट पर हमने ज्यादातर देखे हैं, 17 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को खतरा, उनके ऊपर खतरा गिरते हुए विकेटों के गिरावट के साथ
कई बार हमने देखे हैं, तो यहां पर वो बात बार बार सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं इस अंडर आर्म क्रिकेट में। तो अब देखना यह है कि अब तीसरे अंपायर के निर्धार क्या निकल आएंगे। तो आउट की करार और इसी के साथ विकेट नंबर 7, सातवां विकेट, जहां पर रन बनना चाहिए वहां पर विकेट गिराते हुए टीम एलिगेंट केजीएफ किंग्स के खिलाफ। आज तो वाकई केजीएफ अपने टीम के नाम के साथ जुड़े हुए उस शब्दों की गंभीरता जो है केजीएफ, और इस बारे में विश्लेषण की जरूरत बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि केजीएफ के उन शब्दों से जुड़े हुए गंभीरता क्या है। तो आज वाकई मिलने वाली इस छोटी सी मौके के बाद केजीएफ किंग्स अपने टीम के नाम के मतलब निकालने लगे हैं मैदान में। 7 विकेट शिकार करने के बाद रनों की संख्या बने 18 रन। 5वें ओवर की अगली गेंद को लेकर फिर गेंदबाज तैयार, साहिल। तो इसके बाद वाले हर एक मैच भी 6 ओवर के मैच होंगे, ध्यान दीजिएगा समय के अभाव की वजह से और कानूनन इजाजत के कुछ समस्या भी खड़ी हो जाएंगे, इसलिए संगठकों के निर्धार है ये। इसके बाद वाले हर एक मैच भी 6 ओवर के लिए निर्धार होंगे, तो सभी टीम तैयार हो जाइएगा, अगली मैच खेलने वाली टीमों के साथ भी ये संदेश हम रवाना करना चाहते हैं कि 6 ओवर के मैच हैं तो तैयारियां कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी 7 और 6 ओवर पर जब बदलावन बन जाते हैं तो गेंदबाजों के हिसाब किताब में भी कुछ बदलावन बन जाते हैं। तो अभी से वो तैयारी हो जाए कप्तानों के बीच कि किसे उतारे। और इस बार आउट ऑफ स्विंग डिलीवरी और एक बेहतरीन गेंद, साहिल। एक अच्छी ओवर की समाप्ति दिखाने के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 20 रन 7 विकेट के नुकसान पर, ओवरों की संख्या 5 ओवर की समाप्ति। अब 2 ओवर अभी भी बचे हैं और बचे हुए विकेटों की संख्या अभी भी 3 बाकी। यहां पर अगर यही बात इतिहास के दिनों पर बन जाती, अंडर आर्म क्रिकेट हो या ओवर आर्म क्रिकेट, आप अपनी याददाश्त को 10-20 साल पीछे लेके जाते हैं, तो वहां पर अगर शुरुआत के 5 या 6 विकेट गिर जाते हैं तो बल्लेबाजी की उम्मीद छोड़े जाते थे कि गेंदबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, उनके पास वो क्षमता नहीं होंगे बल्लेबाजी के वो क्वालिटी उनके पास नहीं रहते हैं, इस तरह की सोच विचार थे। लेकिन आजकल के खिलाड़ियां बिल्कुल इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे, चाहे वो 11वां क्रमांक के क्यों ना हो, वो खिलाड़ी भी आज सिक्सर लगाकर अपनी टीम को जिताते हैं, और ऐसे खिलाड़ियां भी उनके एक कैच की वजह से अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, और ऐसे खिलाड़ियां उनके अच्छे गेंदबाजी की वजह से अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। तो नजरअंदाज नाम की चीज अपने दिमाग से दूर रखिएगा, रनों की संख्या में बिल्कुल फोकस मत डालिए। अब तक बने हुए जितने भी रनों की संख्या है, आने वाली गेंदों पर बनाने वाले रनों की संख्या में योजना बनाइए। आपको रोक लगाने की कोशिश तो हर एक ओवर के बाद हो रहे हैं केजीएफ किंग के साथ, उनकी हर एक ओवर की सक्षमता ये साफ साफ गवाह है आपके रन बोर्ड पर बने हुए वो रनों की संख्या देखने के बाद। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की है, लेकिन जुबैर ने विकेट स्वीप किए यहां पर। केजीएफ किंग्स के लिए वाकई जुबैर के जो आगमन है वरदान बने हैं, मंसूर रंतड़का के उनके घायल होने के बाद, इंजूर होने के बाद उनके लिए रिप्लेसमेंट के रूप पर जुबैर को लाए गए थे केजीएफ किंग्स, और ये जुबैर की 2 ओवर की रोशनी, उनकी चालाकीपन, उनकी अनुभव, उनकी तजुर्बा, उनकी साधनाएं कौन नहीं जानते हैं। जुबैर के आते ही बल्लेबाज अपने दिमाग को दूसरी बार सोचने पर मजबूर करते हैं कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि ऐसे वैसे गेंदबाज नहीं है गेंदबाजी पर, जुबैर जैसे गेंदबाज। तो यहां पर जुबैर दोबारा अपने अनुभव को साबित किए हैं अपने गेंदबाजी के साथ। विकेटों की संख्या 8 विकेट 20 रन पर, टीम एलिगेंट। 3 तारीख को एतवार के दिन दुबई में हम वीक्षक विवरण हम दे रहे थे DIPL दुबई इंडियन प्रीमियर लीग पर, टीम इन एलिगेंट फाइनलिस्ट बने थे उस मैच पर, और उसी तरह वराहा रूपा मैंगलोर भी, कर्नाटक के बड़े बड़े महारथियां अच्छे खासे खिलाड़ियां अपने कदर दिखाकर उस श्रृंखला को कामयाब किए हैं, और उन श्रृंखला के आयोजक थे एस डिजाइन्स एंड इंटीरियर्स के मालिक अनीश जी, और उन्हें साथ देते हुए उनके साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए टीम एलिगेंट के महारथियां
कादर शरीन और मलिक जी वहां पर अपने भरपूर प्रोत्साह दिखाए हैं। और आज भी इस मैच को देख रहे होंगे, टीम एलिगेंट की महारत यहाँ अपने खिलाड़ियों के पिछले दोनों मैचों पर उनके वो रफ्तार देखने के बाद अब तो वाकई ही उनकी आंखों से नींद तो गायब हुए होंगे। अली अली पोसोट, आसिफ एलिगेंट जैसे महारतियां, साहिल एलिगेंट जैसे महारतियां वीक्षण पर होंगे मैच के। टीम एलिगेंट के सक्सेस के एक एक पिलर है ये सारे नाम, अली जैसे महारतियां। रनों की संख्या 21 रन, 21 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। जुबैर की अगली गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, इन स्विंगिंग डिलीवरी। खुद विकेट कीपर अशरफ सोच रहे थे कि गेंद टिप्पा काने के बाद इतनी स्विंग लेकर विकेट तक किसे आया। यह अनुभव है जुबैर के। विकेटों की संख्या अब गिर पड़े हैं 9 विकेट, गेंद अभी भी 7 गेंद बाकी। मैच आप देख रहे हैं केजीएफ किंग्स और टीम एलिगेंट के बीच, और यह है तुलनाडु क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1। इस मैच के बाद होगा सेकेंड एलिमिनेटर गुंडलिके स्ट्राइकर्स और इस मैच के विजेता के बीच, और उन मैच पर जीतने वाली टीम सामना करेंगे वाईएसवी को सेकेंड क्वालिफायर मैच पर। फाइनल पर तो अब स्काई वॉक विराजमान होकर हवा ले रहे हैं अब कि फाइनल के दूसरी कुर्सी कौन भरेंगे। 6 ओवर के मैच, इसके बाद वाले हर एक मैच भी 6 ओवर के मैच होंगे। राज तो वाकई करना गोरिया और उनके साथियों के ये बेहतरीन बेहतरीन सजावट वाली ये तुलनाडु क्रिकेट लीग के आखिरी दिन बहुत ही खुशी के साथ महसूस करते हुए मैदान के हर कोने पर जमे हुए दर्शक। ओवर की समाप्ति, छठा ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 21 रन, केवल मात्र 1 रन जुबैर के इस ओवर पर। तो इनके अनुभव के लिए इससे बेहतर गवाह क्या हो सकते हैं। अगर अंडरम क्रिकेट पर जुबैर जैसे महारथियों के अनुभव के बारे में अगर कोई नहीं जानते हैं तो हम मानते हैं कि अंडरम क्रिकेट के बारे में उनकी जानकारी बहुत ही कम है। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 21 रन, 9 विकेट खोने के बाद कार्तिक कोडिकल और धनुष की जोड़ी, 6 गेंद आपके पास। अगर कम से कम 6 गेंदों पर 6 रन अगर आप बल्लेबाजी पर बनाते हैं, अपने बल्ले से बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज की कमजोरी के साथ मिलने वाले 1-2 रन भी आपको बोनस बन सकते हैं। 21 बनने के बाद 30 तक अगर आप अपने बल्लेबाजी दिखाते हैं तो आपके भी गेंदबाजी बाकी है, कमाल आपकी गेंदबाजी में भी हो सकते हैं, विकेटों की गिरावट आप भी दिखा सकते हैं अपनी गेंदबाजी में। स्वीप करने की कोशिश की है लेकिन रन दौड़ने की हिम्मत तो आप पिछले ओवर की तरफ बिल्कुल नहीं होंगे 9 विकेट खोने के बाद, क्योंकि ये आखिरी विकेट, टाइम आउट, 7 ओवर की गेंदबाजी के लिए दिए हुए समय की समाप्ति। तो अब इसके बाद नियम के अनुसार एक और फील्डर छोटी सर्कल के अंदर आना होगा, साहिल। पिछले ओवर पर जबरदस्त गेंदबाजी निभाने के बाद अपने स्पेल के अगले ओवर के दूसरी गेंद को लेकर तैयार खड़े हैं फील्डिंग की तरफ ध्यान लगाने के बाद, क्योंकि समय समाप्त होने के बाद एक फील्डर अंदर आएंगे तो ऐसे में लाइन पर खड़े रुके फील्डरों की तरफ ध्यान देना, बल्लेबाजों की क्वालिटी भी यहां पर समझना चाहिए। भले ही वो आखिरी खिलाड़ी हो, लास्ट मैन हो, उनके हाथ में भी बल्ला है, वो भी कुछ कर दिखा सकते हैं। अच्छी गेंद, जवाब भी मिले, 1 रन तो समाप्त बने, और इस बीच दूसरे रन के लिए क्या कहे इस बात को। और भी गेंदों की संख्या बाकी बचे थे लेकिन विकेट गिराने की तड़प, वो गर्माहट बिल्कुल कम नहीं हुए टीम एलिगेंट के। 22 रन पर अपने आरंभिक इनिंग समाप्त किए हैं टीम एलिगेंट, लक्ष्य है अब 23 रन के, 23 फ्रॉम 42 डिलीवरीज, 7 ओवर पर 23 रन के लक्ष्य। और एक बात तो निश्चित रूप से हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ये मत सोच लीजिए बेदरा मीडिया के जरिए इस मैच को देखने वाले दर्शक भी कि छोटी रन है आसानी से समाप्त हो जाएंगे, हम अपने काम निपटाने के लिए चलेंगे, थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे, ये मत सोचिएगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन पर इस मैदान काफी बार दिखा चुके हैं अंडर आर्म क्रिकेट में, 30 ओवर जैसे मैचों पर भी छोटी रन पर अपने तमाम विकेट गंवाकर हार मानने वाली टीमों के निदर्शन ताजा ताजा आपके सामने हैं। तो ऐसे में ये तो 23 रन के लक्ष्य है, विकेटों के गिराने की वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं आप,
वो टेक्निकलिटी दिखाते हैं, हर ओवर पर दो तीन विकेट गिराने वाली वो खतरनाक गेंदबाजी अगर आप करते हैं, फील्डिंग पर बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं दिखाते हैं आप, दो की जगह एक रन पर उस गेंद को रोकने की फील्डिंग के वो शानदारीपन अगर आप दिखाते हैं, तो वाकई ये 23 रन भी मुश्किल बन सकते हैं केजीएफ किंग्स के लिए। पिछले दिन के किसी भी साधनाएं या उनके उन बल्लेबाजों के बाउंड्री लगाने वाली बात हो, सिक्सर लगाने वाली बात हो, आज के लिए इस मैच के लिए वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर खेलने के बाद मिलते हैं मार्क। लोग तो आज के अखबार पढ़ते हैं, कल के अखबार नहीं। तो ऐसे में 23 जैसे रन की इस लक्ष्य को लेकर इतनी आसानी के साथ बिल्कुल प्राप्त पूरा करने के वो सपना उनके दिमाग पर अगर है तो वो निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि टीम एलिगेंट के पास भी शानदार गेंदबाजी है। आइए देखते हैं आप किस तरह से इस 23 रन को पूरा करने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर भी। आसानी से तो बिल्कुल नहीं होंगे, जितने भी दर्शक अपने वक्त निकालकर इस मैच को देख रहे हैं उनकी वक्त की मौल्यता वापस दिलाने की कोशिश तो अवश्य करेंगे दोनों टीम। तो आइए अब गोपी सर की बारी, अनुभवी और ऐसे एक जबरदस्त आवाज, इस मैदान की आवाज, गोपी सर की वो सुमधुर आवाज ही नहीं बल्कि पिछले लगातार वो 35 साल के क्रिकेट के अनुभवों को इतिहास की हर एक पन्ना घुमाकर जिस तरह से वो तुरंत क्षण मात्र पर केवल एक माइक्रो सेकंड पर उस पन्ने तक पहुंचते हुए वहां से जानकारी निकालकर वो अपने शब्दों में बयान करते हैं, काबिले तारीफ। काफी कुछ हमने सीखे हैं गोपी सर के, वो एटीट्यूड हो, बात करने की तरीका हो, और इतिहास को छेड़ते हुए कुछ ऐसे शानदार विषयों के साथ वो अपने वीक्षक विवरण दिखाते हैं, काबिले तारीफ। तो आइए गोपी जी, दोबारा आप मौका मिले दर्शकों को आपके उस आवाज पर भरे हुए वो रंग बिरंगी शब्दों को सुनने का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद जनाब स्टार नवाज भाई। तो निस्संदेह बहुत बहुत धन्यवाद आपका खूबसूरत अल्फाजों के लिए। निश्चित रूप से अंतराम क्रिकेट के बेहतरीन हिंदी कमेंटेटरों में से भी आप एक जाने जाते हैं, इसका हमें ज़रूर फख्र है। और सर्व क्रिकेट प्रेमियों की ओर से आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन हम करते हैं। तो निश्चित रूप से जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, 30 रनों का लक्ष्य, 23 रनों का लक्ष्य इस वक्त उनके सामने, 6 ओवर में बनाने, इस वक्त 7 ओवर में बनाने, माफ़ कीजिए। और रंजीत गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए, जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अशरफ स्ट्राइक लेते हुए, जबकि इस्माइल डॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद है, और रंजीत अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। निस्संदेह जहां तक सवाल है टीम एलिगेंट का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पहली गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, फर्स्ट बॉल डिस्मिसल, परफेक्ट ऑफ कटर फ्रॉम द बॉलर। और अशरफ ने गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद उनकी लाइन पर नहीं आ पाए, और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई गिल्ली अब बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस टाइम परफेक्ट ऑफ कटर एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, फर्स्ट विकेट गॉन, नॉट फॉर वन, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, इस वक्त टीम एलिगेंट को इस वक्त कमबैक करना है, तो निश्चित रूप से राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर इस वक्त एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी। और पहली गेंद पर रंजीत ने घातक गेंदबाजी प्रोड्यूस किया पर, और रंजीत एक ऐसे गेंदबाज है जिनमें वो क्षमता एबिलिटी मौजूद है कि वो एक बार अपना लय सही रिदम प्राप्त कर ले तो निश्चित रूप से बल्लेबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं, और यहाँ पर वो विकेट प्राप्त कर चुके, काफ़ी हद तक उत्साहित नजर आते हुए। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ हरीश, और जो कि वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का। रंजीत अपनी पहली गेंद पर अशरफ का विकेट प्राप्त करने के बाद काफ़ी हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर था विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हरीश। ये गेंद रंजीत की, इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, इस वक्त गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, निशाना टकरा चुका है इस वक्त, लेकिन अंपायर ने इस वक्त कहा कुछ नहीं कहे, और शायद बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके हैं, और अब तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है, इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर।
तो जोखिम भरा रन, ठीक से गेंद को खेल नहीं पाए थे, गेंद पहुंची थी शॉर्ट कवर पर, देखिए किस तरीके से हुआ था, लेग कटर गेंद थी और गेंद इस वक्त पहुंची कवर पॉइंट पर, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और इस बीच जब निशाना टकराया था तब देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला रख चुके थे या फिर नहीं। तो देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। तो निश्चित रूप से पहली गेंद पर नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। तो इस बीच पहली गेंद पर विकेट खोने के बाद अब केजीएफ किंग्स के क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। इस्माइल और हरीश मैंगलोर जो कि क्रीज पर मौजूद है एक साझेदारी निभाने की, और जहां तक सवाल है इस वक्त टीम एलिगेंट का, तो रंजीत के साथ साथ आने वाले गेंदबाजों को भी इस वक्त कसी हुई गेंदबाजी यहां पर करनी होगी अगर उन्हें 21 रनों के अंदर केजीएफ किंग्स के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को रोक कर रखना है। तो देखते हैं क्या होता है। और इस बीच ओवर की पहली गेंद अगली गेंद लेकर इस वक्त रंजीत तैयार फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए सामना करते हुए इस वक्त इस्माइल और सात खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत ओवर की पहली गेंद लेकर अगली गेंद लेकर इस वक्त यार तीसरी गेंद कहना पड़ेगा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, शायद लेग कटर गेंद फेंकने के चक्कर में गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी और आखिरकार बल्लेबाज को नहीं टीम को एक रन यहाँ पर प्राप्त होता हुआ, दो रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज रंजीत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर था विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस्माइल के लिए ये गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद, हल्के से गेंद को खेला, शॉट कवर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर निशाना चूक चुका है। ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, थ्रो को इस वक्त रिसीव नहीं कर पाए थे गेंदबाज। पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट पॉन्स गेंद उनकी ओर पहुंची थी और गेंद को वो फील्ड करने में असफल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका दो रन प्राप्त करने का और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर चार रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। 4 for the loss of 1 wicket इन दी ओपन नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और रंजीत फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस्माइल CBS इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रंजीत की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस्माइल के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट मिड विकेट पर इट्स ऑफ द बैट आई थिंक और एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 5 रनों पर 5 for the loss of 1 wicket इन द ओपन नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सो पहले विकेट गिर जाने के बाद दबाव कुछ हद तक बल्लेबाजों के ऊपर इस वक्त दिखाई देता हुआ और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार रंजीत एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची इस वक्त सिली मिड ऑन पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर 6 for the loss of 1 wicket इन द ओपन नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। ज़्यादा लंबा लक्ष्य नहीं है तो जहाँ तक अंतिम गेंद लास्ट बॉल और ज़्यादा लंबा लक्ष्य नहीं है तो इस वजह से इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी किया जा सकता है। अगर 22 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो केजीएफ किंग्स के बल्लेबाजों को, और जहां तक सवाल है इस वक्त टीम एलिगेंट का तो उन्हें इस वक्त घातक गेंदबाजी ही करनी है अगर उन्हें इस मैच में अपनी वापसी करनी है। और रंजीत इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथों पर था विकेट, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई विकेट कीपर के हाथों में गेंद और आखिरी मौके पर हर्षित विकेट कीपर थे जो विकेट को जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज तेजी के साथ लेग बैक के रूप में एक रन प्राप्त कर चुके थे। 7 रन बन चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोने के बाद, एक बेहतर शुरुआत इस वक्त कर चुका है एक विकेट खोने के बावजूद। GD बॉयज बंटवाल क्रिकेट फॉर सोशल सर्विस के नाम पर डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला 18, 20 और 21 अप्रैल 2024 को SVS हाई स्कूल मैदान बंटवाल पर खेली जाएगी। इस श्रृंखला के लिए पहला इनाम 1,00,000 रुपये नकद और दूसरा इनाम 50,000 रुपये नकद दिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है मेन पूल के लिए प्रवेश शुल्क होगा 10,000 जबकि लोकल पूल के लिए प्रवेश शुल्क होगा 8,000 और यह श्रृंखला 18, 20 एंड 21 अप्रैल 2024 को
एसवीएसआई स्कूल मैदान बंटवाल में खेला जाएगा, जो जेडी बॉयज बंटवाल क्रिकेट फॉर सोशल सर्विस इसके नाम पर प्रस्तुत कर रहा है जेडी बॉयज ट्रॉफी 2024 के नाम पर। तो इस वक्त पेलिकन इस बार कॉटन बोल्ट का मौका छूट चुका है, फॉलो थ्रू में स्ट्राइक फॉरवर्ड चांस, बट द चांस वाज गॉन इन वेन। और बल्लेबाज इस गेंद पर यहां पर जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। अले अश्फर रजाक मैंगलोर न्यूज इवर दिटो वेदिके तेरली तम आसन स्वीकर विनती नम इंदी क्रिकेट पंदी मत मुख्य अतिथिया श्रीयुत अश्फर रजाक मैंगलोर न्यूज इवर आगमें दयु इवर वेदिके तेरली तम आसन स्वीकर विनती इवे टीसीएल संघटक सर्व क्रीडा प्रेमी परवा हृत्पूर्वक स्वागत को। तो यहाँ पर विकेट इस वक्त गिर चुका है और बोल्ड आउट के पे शायद यहाँ पर विकेट गिर चुका है। अदे रीति मत मुख्य अतिथिया श्रीयुत विनोद शेट्टि हेरिटेज विल्ला इवर आगमिसिद्दारे, इवर कूड़ा नम इंदिन क्रिकेट पंद्यावली अतिथिया आगमिसिद्दारे, इवर कूड़ा वेदिके हत्र तेरळि तम्म आसन स्वीकरिसबेकागि विनती, इवरिगे कूड़ा टीसीएल संघटक सर्व क्रीडा प्रेमिगळ परवागि हृत्पूर्वकवाद स्वागतवन्नु नावु कोर्ता इद्देवे। अदे रीति मत मुख्य अतिथियागि श्रीयुत धनुष शेट्टि दुबई इवर कूड़ा नम्मोंदिगे उपस्थितरिद्दारे, इवर कूड़ा वेदिके तेरळि तम्म आसन स्वीकरिसबेकागि विनती, इवरिगे कूड़ा टीसीएल संघटक सर्व क्रीडा प्रेमिगळ परवागि तमगेल्लरिगू आदरद स्वागतवन्नु नावु कोर्ता इद्देवे। हार्टली वेलकम टू यू आल आफ् यू सर। सो सेकेंड विकेट लॉस्ट एंड नाउ द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल अजमल 8 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कार्तिक का अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, अजमल इस वक्त सामना करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर कार्तिक इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजमल के लिए ओवर की पहली अगली गेंद रिवर्स इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त डीप बैक स्क्वायर लेग सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। फुल टॉस के तौर पर गेंद थी और गेंद को इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र चुनते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप विकेट के दरमियान, देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त स्वीप किया था स्क्वायर लेग अंपायर की दाई ओर से गेंद निकली और स्क्वायर लेग अंपायर जो खड़े हुए थे शरीर को अपने अपने शरीर को गेंद की लाइन से अलग किया, इस वक्त अगली गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ 2 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके, 3 रन के लिए दौड़ पड़े और 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर सिर्फ 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 3 रन बने और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट जस्ट 8 विकेट फॉर विक्ट्री। और गेंदबाज कार्तिक इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस्माइल और अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद ड्राइव किया मिड ऑन पर अजमल काफी आगे निकल आए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड की जा चुकी है और इसी के साथ अगली गेंद लेकर कार्तिक इस वक्त तैयार, दर्शकों से मैदान खचाखच इस वक्त भर चुका है एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम और निस्संदेह इस वक्त एक बेहतरीन मैच प्रगति पर टेरिफिकर एब्सोल्युटली टेरिफिकर मत स्ट्रेट लाइन न गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, 2 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर्स कंप्लीटेड 15 ऑन द बोर्ड 2 विकेट्स लॉस केजीएफ किंग्स लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन जस्ट 8 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 ओवर्स विद अ रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 1.60 रन पर ओवर। सो फैंटास्टिक टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन द नेम ऑफ तुलुनाडु क्रिकेट लीग सीजन 1 2024 सिंपली नोन एज मिनी केपीएल with a great tournament slogan of the fun is on let the game begin and this tournament is proudly presented by Dharani Electronics and Furniture BC Road under the great leadership of Mr. Karna Gori
और जहाँ तक श्रृंखला का सवाल है तो ये श्रृंखला इस देर रात में एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए रात के ठीक 11 बज चुके हैं, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock ऑन द नाइट, लेकिन संघर्ष की तीव्रता अभी भी बरकरार दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। गेंदबाज इस बीच रंजीत अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे ताइने हाथ के बल्लेबाज अजबल के लिए। अजबल इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रंजीत की गेंदों का लगौन इस वक्त मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लग ऑफ पर एक फील्डर तैनात थोड़ा सा वाइडर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो रंजीत ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट अजबल के लिए। अगले गेंद, ये गेंद इस बार लेग से पराई स्वीप करना चाहा, विकेट कीपर हर्षित पहुंचे लेकिन गेंद को ठीक तरह से गैदर करने में असफल और इस भूल का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने एक रन प्राप्त कर लिया। अंतिम क्षण में गेंद विकेट कीपर हर्षित के हाथों से चूकी थी फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने एक रन यहां पर पूर्ण कर दिया। 16 रन बन चुके दो विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। अगली गेंद, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर रंजीत, मत स्ट्राइक लाइन और गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। रंजीत ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुँच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे अपने विजय की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त KFC कोडिकल। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजों का तो इस वक्त चमत्कारी गेंदबाजी ही अब टीम एलिगेंट को इस मैच में वापस ला सकती है। और गेंदबाज रंजीत एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाह, बेहतरीन गेंदबाजी चूके पूरी तरह, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 2 के 23 ओवर में बाकी। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अजमल के लिए, स्वीप किया नॉट क्वाइट मिड लेकिन इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बीच बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी एंड दिस टाइम ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, लेग कटर गेंद पर चकमा खा गए और यहां पर इस्माइल का विकेट गिर चुका। 3 ओवर की समाप्ति, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। नम इंदिन क्रिकेट पंद्यवे अतिथिया आगमित श्रीयुत अश्फार रजाक मैंगलूर न्यूज, अदे रीति श्रीयुत विनोद शेट्टि हेरीटेज विला ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಇವರೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ KCL ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ BC ರೋಡ್ ಕೈಕಂಬ ಇವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ TCL ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ TCL ಸೀಸನ್ 1 2024. ಸೊ 3 ಓವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ KGF ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. 18 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್, 5 to get ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4th ಓವರ್. ಗೇಂದಬಾಜ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಪ್ನ ದೂಸರಾ ಓವರ್ ಲೇಕರ್ ಇಸ್ ವಕ್ತ ತಯಾರ. और अजमल इस वक्त सामना करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर 4th ओवर स्टार्ट से तेरे इनिंग्स और कार्तिक पहली गेंद लेकर तैयार, स्वीप किया इस वक्त अजमल ने खूबसूरती के साथ डीप स्कोर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, मिसफील्ड वहां पर और 2 रन यहां पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ ऐसा कहना पड़ेगा कि KGF किंग्स विजय के और निकट यहां पर हो चुका. सिर्फ 3 रन चाहिए अब विजय के लिए. जस्ट 3 more runs टू गेट फॉर KGF किंग्स फॉर विक्ट्री इन दिस मैच. कार्तिक बाएं हाथ राउंड द विकेट अजमल के लिए, इस बार ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ और गेंद सी मारेगा जब हर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ अजमल फिनिश द मैच इन स्टाइल विद द बाउंड्री. कॉम्प्रेहेंसिव विक्ट्री बाय 7 विकेट्स फॉर KGF किंग्स विद more than 3 hours to spare. That means more than
That means 22 balls to spare in their innings. They won the match by comprehensively by 7 wickets against a Team Elegant. And with that victory, KGF Kings through to the next round of this competition. Next match. So winners of this match will meet Gundalike Strikers in the next match. The man of the match of this match award goes to Nizam, who claimed 4 wickets in his brilliant bowling spell. And because of that fantastic spell of 4 wickets, he adjudged the man of the match. I request Nizam, please go on to the stage and receive the man of the match from the one of our organizers. So next match, KGF Kings will take over Gundalike Strikers, and that match is now coming up live exclusively right in front of you. Till then, we're taking short break, and we'll be back right after short break with my one more co-commentator, Mr. Raghu Matpadi, in our state language, sweet language, Kannada. In the next match, we're going to start. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavaad. ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಡೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಲ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ, ಸಂತ ಅವರು, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೂರ್ವದ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿರುವುದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಸ್ಫರ್ ರಜಾಕ್, ಮಂಗಳೂರು ವಾರ್ತಾ ಇದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಜೀಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅಸ್ಫರ್ ರಜಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲನ ಹೊಂದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳ ಜೊತೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೆ. So now we are going to start another match. It's going to be a eliminator number 2, and hello, 3 matches remaining. Please note. Satish sir, one minute. Karnataka da prathama chanda balaga shringare mela tanda konchadi idara mukhya